वो है ना गौड़ा तो फड़क कर रही है गौ, ये वायर लगाना है। हाँ लगाना है, लगा लो माइक, जल्दी लगाओ और जल्दी करके वहाँ पे भी निकालना है, साथ हो जाएगा यहाँ खत्म खत्म होते तो जल्दी से करेंगे निकल जाएंगे। महाराज जल्दी से स्कूल स्टार्ट कर, सात पंद्रह मिनट। हरे कृष्णा। तो ये वैकुंठ गमन स्थान है तुकाराम महाराज का, जहाँ से तुकाराम महाराज वैकुंठ गए, और ये वही पेड़ है जिस पेड़ को जब गरुड़ महाराज तुकाराम महाराज को लेके जा रहे थे तब इस पेड़ को गरुड़ महाराज का पैर लगा था और इस कारण ये पेड़ हिल गया था। तो आज भी फाल्गुन वद्य द्वितीया के दिन, मतलब गौर पूर्णिमा के बाद जो द्वितीया आती है उस दिन ये पेड़ हिलता है, क्योंकि गरुड़ महाराज आते हैं, तुकाराम महाराज भी आते हैं और सबको दर्शन देते हैं, दृष्टिपात करते हैं अपनी कृपा दृष्टि से सबके ऊपर, जो कुछ जो कोई आते हैं यहाँ पे, बहुत भीड़ रहती है यहाँ पे लाखों की संख्या में। तो कोई कोई लोग ये पेड़ हिलता है कि नहीं देखने के लिए आते, तो दिखता नहीं कुछ कुछ लोगों को, कुछ कुछ लोगों को दिखता है ना। तो ये श्रद्धा की बात नहीं है एक्चुअली, ये पेड़ मैंने बहुत बार हिलते हुए देखा है, बहुत लोगों ने हिलते हुए देखा है, क्योंकि एक्चुअली में यहाँ पे गरुड़ जी आते हैं, तुकाराम महाराज आते हैं और हम सबके ऊपर कृपा दृष्टि करने के लिए आते हैं। जैसे परम पूज्य लोकनाथ महाराज कहते हैं कि जो कोई भी ये वैकुंठ गमन जो सोहरा है वो जो अटेंड करता है ना उसका पुनर्जन्म नहीं होता, वो महाराज जी बोलते हैं। और ये जो स्थान है ये वैकुंठ का शॉर्टकट बोलते हैं महाराज जी, क्योंकि यहाँ से तुकाराम महाराज वैकुंठ गए ही नहीं, तीन बार वापिस आके आए भी है वापिस तीन बार वैकुंठ से। तो ऐसा ही पावन स्थल है बहुत ही, तो देहू में बहुत देहू में ये विशेष बहुत ही विशेष स्थान है, क्योंकि आविर्भाव से तिरोभाव ज्यादा हम महान समझते हैं ना। तो ये सब पूरा कार्य समाप्त करके तुकाराम महाराज को जाने की इच्छा हुई, क्यों जाने की इच्छा हुई, क्योंकि बहुत उनकी कीर्ति महाराष्ट्र में सर्वदूर फैल गई थी, और ये जो है स्तुति या बहुत जो उनका कीर्ति गान है वो उनको सहन नहीं हो पा रहा था। वो बोले कि जो क्या बोलते हैं शीशा क्या होता है, लीड जो है लीड अपना शीशा लेड तो शीशा कोई मेरे कान में डाल रहा है तपता हुआ, ऐसे वो कीर्ति मेरी सुन के मुझे दर्द हो रहा है। तो ये सोच के उन्होंने क्या किया, क्योंकि बहुत सारे गांव वाले हैं ना यहाँ गए पंचक्रोशी वाले, वो तुकाराम महाराज को देहू में रहने नहीं देते थे, देहू में से वो लेके जाते थे उनके गांव में, बहुत सारा बहुत बड़ा कीर्तन करते थे, बहुत दिन महीनों महीना कभी कभी हो जाता था, फिर से छोड़ते थे, दूसरे गांव वाले आके लेके जाते थे तुकाराम महाराज को। तो ऐसा बहुत बहुत साल चला, तो तुकाराम महाराज को ये सहन नहीं हुआ और तुकाराम महाराज ने विनती की विट्ठल जी को कि अभी क्या है लेके चलो मुझे, मैं ये सहन नहीं कर पा रहा। तो सात दिन पहले वैकुंठ गमन के विट्ठल जी यहाँ पे आए, और सात दिन अब उनमें से चार दिन है ना विट्ठल जी को ये देहू गांव है ना परिक्रमा कराया है तुकाराम महाराज ने, ये सब देहू दिखाया है विट्ठल जी को, हर जगह जहाँ पे तुकाराम महाराज जाते थे वहाँ वहाँ सभी जगह विट्ठल जी को तुकाराम महाराज लेके गए। तो अभी पांचवें दिन विट्ठल जी अभी बोले अभी जाना तो है, लेकिन वहाँ पे वैकुंठ में जो सभी वैकुंठवासी है, जो महाजन लोग है, भक्त है, वैष्णव है, वो आपके बिना तुकाराम महाराज के बिना उनको वहाँ पे वैकुंठ भाता नहीं, अच्छा नहीं लगता। तो सबको मैं क्या कर रहा हूँ, पर ये वैकुंठ गमन जो है आपका वो कोई सामान्य होना नहीं चाहिए, वो ऐसा अलौकिक होना चाहिए, न भूतो न भविष्यति ऐसा होना चाहिए। तो इसलिए क्या किया विट्ठल जी ने, पूरा वैकुंठ यहाँ पे बुला लिया। तो ये जो देख रहे हैं ये आगे जो रोड था बहुत बड़ा, उसको यहाँ पे गोपालपुरा कहते हैं, गोपालपुरा, पंडरपुर में भी एक गोपालपुर है, तो ये भी इसे भी गोपालपुरा कहते। तो यहाँ पे सब वैष्णव जो थे वो यहाँ पे आए थे वैकुंठ में से,
यहाँ पे उतर गए थे। तो यहाँ पे क्या हुआ था, फिस्टिंग, डांसिंग, संकीर्तन और बहुत यहाँ पे बोलते कि पंक्ति पंक्ति बैठे थे और सबको तुकाराम महाराज अपने हाथ से खिला रहे थे, हर एक महाजन को, हर एक वैष्णव को। तो ऐसा बहुत ही देदीप्यमान वो तीन दिन थे सभी वैष्णव। यहाँ पे हरि कथा, हरिनाम और प्रसाद वितरण, ऐसा जो सीसी पढ़ते हम वही वर्णन ये यहाँ पे हुआ था वो साक्षात। तो इसे काला कहते मराठी में, काला। तो ऐसा जो मतलब भगवान क्या करते है मालूम ना, वृंदावन में जो सभी जो ग्वाल बाल है थे वो जो कुछ भी लेके आते वो सब मिक्स करते है भगवान और फिर बांट देते, उसको काला कहते। तो ऐसा जो था वो प्रसंग यहाँ पे हुआ था। तो उसके बाद जो आखिरी दिन था मतलब द्वितीय का दिन आया, अभी तुकाराम महाराज ने सबको बता दिया कि मैं अभी वैकुंठ जा रहा हूँ। तो सब अभी उनके घर वालों को मतलब उनकी पत्नी को लगा कि ये वैकुंठ मतलब ये पंडरपुर भी जा रहे तो वैकुंठ ही बोलते उसको, क्योंकि वो भी वैकुंठी है। तो उन्होंने कुछ सीरियसली लिया नहीं। तो बहुत सारे जो वैष्णव थे उन्होंने उनको पता था कि अभी तुकाराम महाराज वैकुंठ जा रहे करके, गरुड़ महाराज आ गए हैं। तुकाराम महाराज वर्णन करते हैं उनके निर्वाण प्रसंग के अभंग है, तो उनमें वो वर्णन करते कि गरुड़ आला फड़त्कारे नाभि नाभि मणे तोरे, गरुड़ फड़त्कार करते हुए आया है और नाभि नाभि उनका आवाज अगर आपने सुना हो तो नाभि नाभि ऐसा गरुड़ महाराज आवाज करते, नाभि नाभि मणे तोरे मुकुट कुंडलांचा दीप्ति। और भगवान भी आए उनके साथ, विठल जी आए, मुकुट और उनके मुकुट और कुंडल है उनकी दीप्ति कितनी तेजोमय है के तेज लोपला गभस्ती, जो उसके तेज से जो गभ में मतलब आसमान में जो सूर्य नारायण है, सूर्य देवता है, उनका तेज क्या हो गया, लुप्त हो गया। तेज लोपला गभस्ती मेघ श्याम वर्ण हरि मूर्ति डोले से साजिरी, जो मेघ श्याम वर्ण के हरि है उनकी मूर्ति इतनी देख मतलब वो आंख में भर में मैं भर नहीं पा रहा वो रूप, ऐसे बोल रहे तुकाराम महाराज। मैं श्याम वर्ण हरी मूर्ति डोले से सन तुका झाला से संतुष्ट घर आले वैकुंठ पीठ। तुकाराम महाराज क्या बोलते हैं कि मैं बहुत संतुष्ट हो गया हूँ, ये पूरा वैकुंठ क्या है यहाँ पे आ गए, देहू में अवतरित हो गए। ऐसा वो बहुत ही देदीप्यमान वो प्रसंग था। और सभी अभी जो देहू वासी थे वो बहुत भावविभोर हो गए थे, क्योंकि जिन तुकाराम महाराज से इतने सालों से वो प्रेम कर रहे थे वो अभी उनको चले जाएंगे, तो बहुत सभी रो रहे हैं सभी, क्योंकि वो सबको पता था कि तुकाराम महाराज मतलब इतने अभी जो भी वैष्णव हम देखते हैं कि कितनी करुणा रहती है उनमें, तो ऐसे उच्च कोटि के वैष्णव अगर छोड़ के जाएंगे तो परम पूज्य श्रीमद गौर गोविंद महाराज कहते कि वेन आचार्य लिव्स ए डार्क टाइम कम्स, है ना, जब आचार्य छोड़ के जाते तो एक अंधकारमय काल शुरू हो जाता है। तो वही वैसे तो हुआ नहीं, क्योंकि तुकाराम महाराज का प्रभाव इतना है कि आज तक लोग गाते उनके अभंग। तो तुकाराम महाराज ने यहाँ पे आखिरी के जो उनके उपदेश थे वो दिए। तुकाराम महाराज कहते कि आता तरी पुढ़े हाची उपदेश, अभी आखिरी तो उपदेश कर रहा हूँ, इतने साल मैंने आपको उपदेश किया मेरे अभंगों में। तो कभी कभी बहुत ही हार्श लैंग्वेज यूज की तुकाराम महाराज ने, गालियां दी, है ना, कोई सुन नहीं रहा है तो गालियां देते हैं ना हम उनको, तो ऐसे जो सुनता नहीं उसको गालियां भी दी, तो फिर भी आप सुने नहीं मेरा। लेकिन क्या बोलती है, आता तरी पुढ़े हाची उपदेश नका करो नाश आयुष्याचा, अभी नाश मत करो आई अपने जो जीवन का है। सकळांच्या पाया माझे दंडवत आपुलाले चित्त शुद्ध करा, अभी क्या है सबको मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ, अभी आखिरी जा रहा हूँ, अभी इतने साल मैंने सब प्रयास कर लिए लेकिन अभी दंडवत कर रहा हूँ आपको, और सुनो मेरी बात, क्या करो आपुलाले चित्त शुद्ध करा, आपका जो चित्त है हृदय है उसका मार्जन करने में लग जाओ, मतलब हरिनाम लेने शुरू कर दो अभी से, पीछे जो हो गया सब छोड़ दो, मागे झाले पाहुना का पीछे जो हो गया वो छोड़ दो, पुढ़े जामीन है तुका, आपकी वकीली करने के लिए उधर वैकुंठ में मैं जाऊंगा, ऐसे बोल रहे थे, आपकी आपका पक्ष मैं रखूंगा विठल जी के सामने अगर आपने आज से अच्छी भक्ति की तो, ऐसे तुकाराम महाराज। आम्मी जातो तुम्ही कृपा असो द्यावी, मैं अभी जा रहा हूँ आप कृपा करो मुझ पे, अभी जो वैकुंठ जा रहे है वो कृपा मांगेगा क्या, वैकुंठ जो परम धाम है उधर जा रहे है फिर भी वो इतने नम्र है कि वो क्या बोल रहे हैं, आम्मी जातो तुम्ही कृपा असो द्यावी सकळा सांगावी विनंती माझी, सबको मेरी विनती
प्रणाम, जो नहीं है यहाँ पे उनको मेरा प्रणाम बताओ, है ना। सकाळ सांगे वाड वेळ झाला उभा पांडुरंग, वैकुंठा श्री रंग बोलावी तो, बहुत देर हो गई है, विठ्ठल जी रुके है और वो मुझे कहाँ बुला रहे हैं, वैकुंठ बुला रहे हैं। तो ऐसे बहुत ही सुंदर वर्णन है उस वक्त का तुकाराम महाराज के 17 अभंग निर्वाण प्रसंग के, वहाँ में उसमें बहुत सारा वर्णन तुकाराम महाराज ने इस प्रसंग का किया हुआ है। तो इस स्थान पे बैठ जो गरुड़ महाराज थे उनको बिठाया, आखिरी जो कीर्तन है तुकाराम महाराज ने किया आखिरी वक्त में, मतलब ऐसे नहीं कि गरुड़ महाराज आ गए और चलो चलो बैठ के चले गए, ऐसे नहीं, उपदेश दिया सबको, सबको भक्ति करने के लिए प्रोत्साहन दिया और फिर तुकाराम महाराज वैकुंठ चले गए द्वितीया के दिन, और पंचमी के दिन वापिस आ गए, क्योंकि उनकी जो लड़की थी भागीरथी वो उस गांव में रहती नदी के उस पार, उस गांव का नाम येलवाड़ी, तो उस गांव में उसको दिया था जमाई उधर के, तो वो आई थी, रंगपंचमी का दिन रहता है, रंगपंचमी के लिए वो आई थी, होली रहती उस टाइम, महाराष्ट्र में रंगपंचमी के दिन होली खेलते हैं, होली के दिन पूर्णिमा का दिन नहीं खेलते, पंचमी के दिन खेलते, तो वो पंचमी के दिन यहाँ पे आई थी होली के लिए। तो उसने देखा कि कुछ तो मिसिंग है, क्योंकि लड़की अगर घर आती है तो उसको स्वाभाविक वो पिताजी के पिताजी को ढूंढती है, हाँ, तो वो पिताजी को ढूंढ रही थी लेकिन उसको दिखाई नहीं दे रहे थे, तो बहुत नाराज़ हो गई और वो पूछने लगी किधर है किधर है, तो कोई बता भी नहीं रहा था, तो वो और नाराज़ हो गई, रोने लगी वो, लेकिन कुछ वैष्णव ने बताया कि महाराज क्या है वैकुंठ चले गए। तो ये सुन के वो बहुत खुद को रोक नहीं पाई, वो रोने लगी, बहुत क्रंदन करने लगी, और वो सहा नहीं गया उसे वो विचार, और उसने क्या सोचा कि जिस जिनके लिए मैं जी रही थी वही चले गए तो जीने से कोई अभी फायदा नहीं, तो उसने क्या किया, आत्महत्या के लिए नदी में छलांग लगा दी इंद्रायणी में। तो नदी में जो मछलियाँ थी ना उन्होंने क्या किया, उसको बचाया और बाहर निकाला, ऐसे उसने 3 बार डूब मतलब छलांग लगाई और 3 बार वो मछलियों ने बाहर निकाला। तो बहुत ही वो नाराज हुई कि मेरे हृदय, वो सोचने लगी कि पिताजी कैसे है, वो मरने भी नहीं दे रहे और जीने भी नहीं दे रहे, ऐसे मेरे पिता है। तो ये क्रंदन सुन के तुकाराम महाराज वैकुंठ से 3रे दिन वापस आ गए पंचमी के दिन, और उस दिन तुकाराम महाराज ने उसकी सांत्वना की और उसको बताया कि भक्ति करो और तुम भी वैकुंठ आ जाओ, मतलब जहाँ पे हम शाश्वत रूप से एक साथ रह सकेंगे और विट्ठल जी की भगवान की सेवा कर सकेंगे। तो उस दिन वो बोली कि नहीं नहीं मैं आपको ऐसे नहीं जाने दूंगी, आपको कुछ तो खा के जाना पड़ेगा। तो तुकाराम महाराज उसके घर गए, तो घर में सेवैया थी, तो उसने सेवैया उबाली लेकिन दूध नहीं था, तो दूध मांगा तो मिला नहीं, तो वो फिर से रोने लगी। तो तुकाराम महाराज ने पूछा कि अब क्यों रो रही हो, तो उसने बोला कि दूध नहीं है घर में, है ना। तो तुकाराम महाराज बोले कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं दूध निकाल के लेके आता हूँ। किसका, वो शिवजी जो है वहाँ पे उनके सामने जो नंदी है उनका दूध निकाल के लेके आता हूँ बोले, मतलब पाषाण का जो नंदी है उससे, तो आज भी वो नंदी है वहाँ पे, तो उस नंदी का जो पाषाण का है उसका दूध निकाला उन्होंने, जहाँ से दूध निकाला वहाँ पे वो 5 उंगलियाँ उनकी एनग्रेव हो गई, वो निशाना आ गया है अभी भी, आज भी है। तो परसों ही गए थे हम दर्शन लेने के वो नंदी का, तो वो नंदी को दूध निकाल के वो सेवैया खा के तुकाराम महाराज वैकुंठ चले गए पंचमी के दिन। उसके बाद वो दूसरी बार आए, उनके जो पार्षद थे जो संताजी महाराज, जो महाराज जो बोलते थे वो अभंग लिखते थे, तो संताजी महाराज के लिए आए थे, क्योंकि संताजी महाराज ने उनसे एक वचन लिया था कि जब भी मैं देह त्याग करूँगा तो आप क्या करना, मुझे मिट्टी डालने आ जाना मेरी आखिरी, तुकाराम महाराज से वचन लिया था। तो वो लिंगायत समाज के थे, उनमें क्या वो जलाते नहीं दफन करते, तो जो दफनाने का विधि कर रहे थे वो, तो वो क्या हो रहा था उनका शरीर बाहर आ रहा था बार 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 बार, कितने भी दफना, हाँ। तो फिर वो सभी चले गए लोग, लेकिन उनका बेटा रुका हुआ था क्योंकि वो अंत्यविधि कर के ही जाना पड़ेगा उसको। तो फिर ये देख के तुकाराम महाराज वहाँ पे आ गए कोई नहीं देख के, और तुकाराम महाराज ने थोड़ी सी मिट्टी डाल दी तो वो समाधि लग गई। आज भी वो समाधि यहाँ पे सुदुम्बरे करके गांव है वहाँ पे है, बहुत ही सुंदर जगह है। तो वहाँ पे दूसरी वक्त आए और चले गए, और तीसरी बार आए वो निळोबाराय के लिए,
जो निलोबा राय उनके शिष्य थे, तो निलोबा राय ने ये इच्छा की कि वो वारी में थे नारायण महाराज के साथ, और नारायण महाराज से उन्होंने पूछा कि तुकाराम महाराज कौन है। तो तुकाराम महाराज का पूरा चरित्र नारायण महाराज के से सुनने से उनको ये इच्छा उत्पन्न हो गई कि मैं अगर हरिनाम लूंगा तो इन्हीं से लूंगा। हाँ, तो वो यहाँ पे आके बैठ गए 42 दिन, और 42 दिन उन्होंने कुछ खाया नहीं, सिर्फ पानी पिया, और वो यहाँ पे अनुग्रह पे बैठ गए कि अभी जब तक ये नहीं आते तुकाराम महाराज तब तक मैं यहाँ से हिलूंगा नहीं। हाँ, तो तुकाराम महाराज अभी वो निलोबा राय 42 दिन थे, तो 41वें दिन विठ्ठल जी आए उनकी परीक्षा लेने के लिए, और विठ्ठल जी ने उनको पूछा कि निलोबा उठो मैं आया हूँ। तो बोले कि कौन है, कौन आए हो? तो बोले कि मैं विठ्ठल आया हूँ। तो बोले कि क्या बोले वो कि तुझा लागी ये थे बोलाविले कोणी प्रार्थिल्या वाचुनी आला सीखा, कि आपको इधर किसने बुलाया है और प्रार्थना किए बिना आप कैसे आ गए? जिसकी प्रार्थना कर रहे वो व्यक्ति आना अपेक्षित है, तो ये आप कैसे आ गए? तो बोले कि विठ्ठल जी बोलने लगे कि बहुत योगी सालों साल हजारों साल जो तप करते हैं, तो मेरे ब्रह्मज्योति का एक किरण देखने के लिए वो इतना तपस्या करते हैं, और मैं खुद यहाँ पे आया हुआ तुम मुझे यहाँ से जाने को बोल रहे हो, है ना? तो ये उचित नहीं है। तो बोल रहे कि आपको देख पा रहा हूँ लेकिन समझ नहीं सकूँगा मैं, क्योंकि गुरु के बिना भगवान को समझना मतलब अशक्य है। तो बोले कि ठीक है। वो तो इनको उनका निर्धार देख के विठ्ठल जी बोले कि मैं तुकाराम महाराज को भेज दूंगा। तो 42वें दिन तुकाराम महाराज आए, और तुकाराम महाराज ने निलोबा राय को हरिनाम दीक्षा दी, और आखिरी के उपदेश देके तुकाराम महाराज वैकुंठ में चले गए। तो द्वितीय के दिन बहुत बड़ा यहाँ पे उत्सव रहता है, तो बहुत सारे लोग आते हैं, और तुकाराम महाराज के दृष्टिपात उन पे होता है, और तुकाराम महाराज की कृपा उन सबको प्राप्त होती है। तो आप सभी से निवेदन है कि अगर पॉसिबल हो तो आप उस दिन यहाँ पे आए। हरे कृष्ण, तुकाराम महाराज की जय, वैकुंठगमन स्थान की जय।